हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 17 मई 2023 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज है यूएस एम्बेसडर फॉर वुमेन्स इशू। वुमेन्स इश्यूज के लिए यूएस एम्बेसडर कौन बना है? गीता राव गुप्ता, जो कि कौन है? इंडियन अमेरिकन सिटीजन है। तो आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। सेकेंड न्यूज की तरफ चलते हैं, वर्ल्ड्स मोस्ट पंचुअल एयरपोर्ट। पंचुअल क्या होता है? बिल्कुल समय पर चलने वाला एयरपोर्ट। तो दुनिया का सबसे ज्यादा पंचुअल एयरपोर्ट कौन सा बना है? वो है GMR हैदराबाद, यानी कि एक इंडियन एयरपोर्ट बना है दुनिया का सबसे ज्यादा पंचुअल एयरपोर्ट। नाउ और ये डेटा किसके हिसाब से है? अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय एविएशन एनालिटिकल फर्म क्लेरियम। ठीक है, थर्ड न्यूज की तरफ चलते हैं। तो रिसेंटली एक एक्सरसाइज हुई है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्सरसाइज का नाम है समुद्र शक्ति 2023। तो ये क्या है? इंडिया इंडोनेशिया बाइलेटरल एक्सरसाइज। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक बाइलेटरल एक्सरसाइज है और ये बटाम इंडोनेशिया में हुई है। अब देखिए, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है, यानी एक साल ये इंडिया में होगी, दूसरे साल ये इंडोनेशिया में होगी। ठीक है, एम क्या है इस एक्सरसाइज को होने का, ऑपरेट कराने का? इट इज एम्ड एट एनहांसिंग इंटर ऑपरेटेबिलिटी एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन बोथ द नेवीज। नेवल एक्सरसाइज है, समुद्र शक्ति नाम से ही पता लग रहा है। तो दो जो नेवीज हैं उनके बीच में थोड़ा कोऑपरेशन जो है उसको एनहांस कर सके, जो कॉपरेटिविटी है उसको एनहांस कर सके, वो इसका टारगेट है। इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में है, एशिया में है, क्या कैपिटल है, जकार्ता, और प्रेजिडेंट कौन है? जोको विडोडो। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि रिसेंटली एक डे सेलिब्रेट किया गया और ये छूट गया था पीछे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। कब मनाया जाता है? 13 मई को मनाया जाता है। थीम क्या रहा? वाटर एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर माइग्रेटरी बर्ड। ठीक है, थीम आपने याद रखना है, डे आप एक पल के लिए भूल भी सकते हैं, थीम्स नहीं भूलने हैं। ठीक है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ओके, फिफ्थ पॉइंट है मेरी लाइफ, माई लाइफ क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन है। लॉन्च की गई है किसके द्वारा? एनवायरमेंट मिनिस्टर जो है भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा लॉन्च की गई है। कहां पे? न्यू दिल्ली में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। इसी के साथ हम पहुंच गए फर्स्ट पेज के लास्ट पॉइंट की ओर। लेट मी जस्ट द पेज। ओके, सो सिक्स्थ पॉइंट है हमारा एक ऑपरेशन जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त मतलब कुछ पानी से रिलेटेड है, तो देखते हैं कि ये ऑपरेशन क्या है। सिक्स, टू हिट द इंडियन ओशियन रीजन ऑफ ड्रग्स बाय टारगेटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग ऑन ships। जिन ships के थ्रू ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, ड्रग्स की सप्लाई होती है, उनको डिटेक्ट करना। ठीक है, तो ये इस ऑपरेशन का एम है। और ये कंडक्ट या ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है? इट इज अ ज्वाइंट कॉपरेशन ऑफ इंडियन नेवी एंड द नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, NCB। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पेज था वो हुआ कंप्लीट। बार बार कहती हूँ, वीडियो के साथ में नोट्स बनाए, आप ही के लिए इंपॉर्टेंट प्रूव होंगे। ठीक है, चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का सेवेंथ पॉइंट है मल्टीपर्पज गजापति इरिगेशन प्रोजेक्ट विल बिगिन इन। सो एक सिंचाई परियोजना है जिसका नाम है गजापति इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये कहाँ पे शुरू हो रहा है? आपको स्टेट का नाम बताना है, तो ओडिशा में गजापति डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे स्टार्ट हो रहा है। एट पॉइंट की ओर चलते हैं, कौन बना है हाईएस्ट विकेट टेकर इन IPL? इंडियन प्रीमियर लीग में कौन बना है? युजवेंद्र चहल बने हैं। नाइन्थ पॉइंट, अब देखिए सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तो हम फटाफट से कवर करेंगे। नाइन्थ पॉइंट हमारा है ई फाइलिंग 2.0 लॉन्च्ड बाय। सो ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़ जी, उनके द्वारा। क्यों किया गया है? ई फाइलिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक है ना, ऑनलाइन होना है ये मतलब। सो टू प्रमोट ई कोर्ट्स एंड ई फाइलिंग ऑफ केसेस अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में ई कोर्ट्स को बढ़ावा देना है, ई फाइलिंग को बढ़ावा देना है, इसलिए। ऑल्सो इनॉग्रेटेड, सो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्होंने एक और चीज इनॉग्रेट की है जो कि है ई सेवा केंद्र। ठीक है, टेंथ पॉइंट की ओर चलते हैं, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, अब इसको ऐड किया गया है टू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अब यूनेस्को का क्या सिस्टम है जिसे वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर लेते हैं, उन्हें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सारा मैं रिसेंटली आर्ट एंड कल्चर में फॉलो करने वाली हूँ, पढ़ाने वाली हूँ, तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब शांति निकेतन किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। 11th पॉइंट हमारा देखते हैं, इंडियाज 82nd ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर कौन से होते हैं? जो चेस वगैरह खेलते हैं उसमें जीतते हैं ना, तो इंडिया के 82nd ग्रैंड मास्टर बने हैं वी प्रणीत।
और ये तेलंगाना के हैं 6th ग्रैंड मास्टर, याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं 12th पॉइंट की ओर, रेयर एलिगेटर गारफिश फाउंड इन। अब एक फिश है, इसके जो प्रजाति है ना वो तरह से विलुप्त हो गई थी, नहीं अब ये मिलती थी कहीं पे फिश, लेकिन रिसेंटली ये हमें मिली है डल लेक जम्मू एंड कश्मीर में, एंड इट इज नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका। सो नॉर्थ अमेरिका की ये फिश है, ठीक है। इसी के साथ हम पहुंच गए अपने 13th पॉइंट की ओर। सो हम यहाँ पे एक मीटिंग की बात करेंगे, Y20 मीट यानी कि यूथ 20 मीट। हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है कि कहाँ पे हो रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर में हो रही है, अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। इंडिया के जो इंडिया के पास चेयरमैनशिप आई है ना G20 की, तो उसके अंदर जितने भी मीटिंग्स है इंडिया में हो रही है, इसलिए यूथ 20 मीट भी श्रीनगर इंडिया में हो रहा है। लेकिन करंट अफेयर ये है दैट टर्की ने रिसेंटली इसको ज्वाइन किया है, जो टर्की से डेलीगेट्स आए हैं उन्होंने रिसेंटली इसे ज्वाइन किया है, ठीक है। अब हम इसी के साथ पहुंच गए अपने लास्ट पॉइंट की ओर। कोशिश की है कि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट रहे और ज्यादा लंबी वीडियो ना हो और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, और फीडबैक भी जरूर दें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए इसी के साथ अपना लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। रिसेंटली एक डे सेलिब्रेट किया गया है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। कब सेलिब्रेट किया जाता है, 15 मई को। क्यों किया जाता है, टू प्रमोट इश्यूज रिलेटिंग टू फैमिलीज, परिवार से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उनको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए। और थीम क्या रहा इसका, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हुए कंप्लीट। आई होप मैंने जो जो पढ़ाया आपको अच्छे समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।